तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलर सिंडिकन। ये होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवाई है, प्राय मैक्सिमम जगह में ये दरकार पड़ता है। आज जितने ट्रेवल करने वाले शिप शिप में हो, चाहे मोटर में हो, चाहे कहीं भी हो, उनकी जो सारी हरकतें के लिए दवाई काफ़ी अच्छी मानी गई है, और वहीं से ये सिम्टम निकल के आता है। ये बोटेनिकल नेम है एनामिटा कोकलस, फैमिली मेनिस्परमिशिया, सानोमेन अनामिटा पेनिकुलेटा, इंडियन कोकटेल, काकामन। ये क्लाइंबर है, लत्तर वाली प्लांट है, ठीक है। कोकलस पेशेंट दिखे है कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये जनरली फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन विथ लाइट हेयर एंड आईज, हु सफर सीवियरली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी, अनमैरिड एंड चाइल्डलेस वोमेन। जो चाइल्डलेस वोमेन है, जिनके बच्चे नहीं है, उनके लिए हल्के बालों वाले, हल्के आंखों वाली महिलाओं और बच्चों के लिए जिन्हें मासिक धर्म मेंस के पहले या प्रेगनेंसी के दौरान जो काफी दर्द होती है, पीड़ा होती है, उसके लिए दवाई काफी ये माना गया है। एडेप्टेड टू बुक वर्म्स, सेंसिटिव रोमांटिक गर्ल्स विथ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, रेक्स ऑनानिस्ट एंड पर्सन्स डेवलप्ड बाय सेक्सुअल एक्सेसिव। एडेप्टेड टू बुक वर्म मीन किताबी कीड़ा, हमेशा रात दिन किताब पढ़ने वाले। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, कोकलस का एक तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी है। रोमांटिक लड़कियां और मास्टरबेशन करने वाले लोग बहुत ज्यादा सेक्सुअल यूज करने के बाद में जो कमजोर हो जाते हैं व्यक्ति, उनके लिए ये मेडिसिन है। डिजीज पिकुलियर टू ड्रंकर्स, शराबियों के लिए विशिष्ट तक ये दवाइयां काफी हद तक पाया जाता है। मेंटल जेंडर, टाइम पासेस टू क्विकली, बहुत जल्दी जो पास हो जाता है, दैट इज कोकुलस। जो धीरे धीरे टाइम पास होता है, दैट इज अर्जेंट नाइट्रिकम एंड कैनाबिस इंडिका। हिम एंग्री स्पीक्स हैस्टली, मैंने वह बहुत क्रोधित हो जाता है और जल्दी जल्दी बोलता है। वो जल्दी जल्दी अगर कोई बोल रहा है तो यह नारकाडियम भी एक मेडिसिन है, उस पर भी गौर करेंगे हम लोग। कैनॉट बियर कॉन्ट्रडिक्शन इजिली इन देम, एवरी ट्रिपल मेक्स हिम एंग्री एंड स्पीक्स हैस्टली। हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन से उसको तकलीफ हो जाता है, सहन नहीं कर पाता है, हर छोटी सी बात पर उसको गुस्सा आ जाता है, वह जल्दीबाजी में बोलता है, बहुत हड़बड़ा करके बोलते रहता है। फिजिकल जनरल, लॉस ऑफ एपिटाइट विथ मेटालिक टेस्ट, धातु जैसा जीभ में स्वाद आना, भूख की कमी, ग्रेट लैसिट्यूड ऑफ द होल बॉडी, इट रिक्वायर्स एग्जर्शन टू स्टैंड फर्मली, फील्स टू वीक टू टॉक लाउडली। सारे शरीर में अत्यधिक अकड़न, अब मुश्किल से खड़ा रह पाना, जोर से बात करने पर बहुत कमजोरी मालूम पड़ता है। फिजिकल जनरल, बेड इफेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, मेंटल एक्साइटमेंट एंड नाइट वॉचिंग, फील वीक इफ दे लूज यू आवर्स ऑफ स्लीप, कन्वर्सन आफ्टर लॉस ऑफ स्लीप, अब एंगर एंड ग्रेट। नींद की कमी के कारण बीमारियां होना, एक नक्षभूमिका भी है, एक कोकुलस भी है। नींद की कमी कारण रोग, मानसिक उत्तेजना, रात को देखने से अगर वह घंटों में नींद खोज देता है तो कमजोरी महसूस करने लगते हैं। नींद ना होने के बाद
उसको कन्वल्शन आना, गुस्सा हो जाना, दुख होना। जैसे कोई भी बच्चा होता है ना, कभी सोया नहीं रहता है ठीक से, तो देखो वो बहुत गुस्सा हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, तो उसके लिए कोकलेश है। अगर नींद नहीं हुआ उसको जाकर डिस्टर्ब कर दिए तो चिल्लाना चालू कर दिया, दैट इज कोकलेश। हेडेक इन नैप एंड ऑसिपिट, गले में और पीछे एक्सटेंडिंग टू स्पाइन, पीछे की तरफ दर्द जाना, बॉर्न बाय कोल्ड विद नोशिया एज इट फेट सी एट ईच मेंस्ट्रुएशन पीरियड, लाइंग ऑन द बैक ऑफ द हेड, सिर दर्द, गर्दन और सिर के पिछले हिस्से में रीढ़ तक फैलना, मानो रस्सी से अत्याधिक जोर सिर बांधा हुआ है, समुद्री जगह में जाने से उल्टी आना, और प्रत्येक मेंस सोने पर सिर के पीछे भाग से लेटने से बढ़ जाता है। सिक हेडेक फ्रॉम कैरेज, बोट और ट्रेन एंड राइडिंग, कितने पेशेंट आएंगे बोले ट्रेन में जाने से मेरे सिर दर्द हो जाता है, किसी गाड़ी में बैठने से मेरे सिर दर्द चालू हो जाता है, दैट इज कोई नाव में जाने से हो जाता है, कोई गाड़ी में ट्रेन में की सवारी से सिर दर्द हो जाना, सिर चक्कर आना, वर्टिगो, एज इफ इंटॉक्सिकेटेड अपॉन राइजिंग इन बेड और बाय मोशन ऑफ द कैरेज, चक्कर आना, मानो बिस्तर पर ही उठते ही नशा हो गया हो, या जैसे गाड़ी की स्पीड से गाड़ी जा रहा है सामने से, स्पीड से कोई चीज को देखने से सिर चक्कर आता है, स्टेशन में खड़े हैं ट्रेन बहुत स्पीड से पास कर गई तो उसको देखने से चक्कर आता है। सेंसेशन ऑफ होलोनेस इन हेड एंड अदर पार्ट्स, सिर तथा अन्य भागों में खोखलापन महसूस होना, इग्नेशिया में भी पाया जाता है, गैस्ट्रिक में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, नौसिया और वॉमिटिंग फ्रॉम राइडिंग इन कैरेज, बोट्स और रेल रोड, कार, आर्निका एंड नक्समोंग में एमबीए बॉक्स, और इवन लुकिंग एट बूट इन मोशन, सी सिकनेस, कार सिकनेस, गाड़ी नाव या रेल रोड कार में सवारी करने से, यहां तक कि चलती नाव को देखने से भी उल्टी या उल्टी लगना, समुद्र में जाने से बीमार पड़ जाना, कार में बैठने से बीमार पड़ जाना, ये इसका गैस्ट्रिक का लक्षण है। सेंसेशन इन एब्डोमेन ऑफ कटिंग एंड रबिंग इन एवरी मूवमेंट एज इफ ए शार्प स्टोन, हर हरकत में वो क्या होता है, पेट में काटने और रगड़ने की अनुभूति, जैसे कि नुकीले पत्थर अंदर हो, हमेशा पेट को ऐसे ऐसे करते रहेगा। फीमेल रिपोर्टिंग सिस्टम, ड्यूरिंग द एफर्ट टू द मेंस्ट्रुएशन सी इज टू वीक, सी इज स्केर्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ द लोअर लिम्स, आफ्टर ईच पीरियड हेमोरेजेस, उसके पाइल्स की शिकायत हमेशा मेंस के समय हो जाएगा, मासिक धर्म के प्रयास के दौरान वह इतना कमजोर हो जाती है कि निचले अंगों की कमजोरी के कारण वह मुश्किल से खड़ी हो पाती है, बहुत कमजोर अपने आप को अनुभव करती है, और हमेशा मेंस के बाद में उसको पाइल्स हो जाना। ल्यूकेरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस, मेंस होने की जगह सफेद पानी जा रहा है, और बिटवीन द पीरियड्स, दोनों मेंस के बीच में वाइट डिस्चार्ज जाना, जैसे कोई मीट, कोई मांस धो करके वॉशिंग ऑफ मीट लाइक सीरम स्टीरियस ब्लडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खुजली के साथ में मांस के धुलाई के तरह, सीरम के तरह वाइट डिस्चार्ज जाना, जनरली ये प्रेगनेंसी के दौरान ये ज्यादा पाया जाता है। ट्रेमलिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स फ्रॉम एक्साइटमेंट एक्सर्शन और पेन, हाथ पैर कांपना उत्तेजना परिश्रम या दर्द से, परिश्रम करने से या दर्द के कारण हाथ पैर कांपना, फीवर, व्हेन फीवर अज्यूम्स ए स्लो स्निकिंग नर्वस फॉर्म्स विद वर्टिगो विद डिसपोजिशन टू एंगर, जब बुखार धीरे धीरे मंद रहता है
तो वो स्नायिक रूप धारण कर लेता है और ज्वर के साथ चक्कर भी होते हैं और उसके साथ गुस्सा भी बना हुआ रहता है, फीवर के साथ में गुस्सा भी रहेगा। कोकुलस इंडिका का मेन मॉडलिटी जो होता है एग्रेमेशन, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, स्मोकिंग, टॉकिंग, कैरेज राइडिंग, मोशन और फिंग ऑन शिप, राइजिंग अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय ये प्राय बढ़ जाता है। इसके रिलेशन होता है कंपेयर इग्नेशिया एंड लक्ष्मोमिका इन कोरिया एंड पैरालिटिक सिम्टम्स एंटीमटाट इन स्वीट एंड अफेक्टेड पैर्स। ये अम्बालिकल हार्निया बहुत क्योर किया है एंड ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, लक्ष्मोमिका जब फेल हो जाता है तो कोकुलस इंडिका को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें याद क्या रखें, इसका मेनली आपको एंगर, फ्राइड, ग्रीफ, एंजाइटी, डिसअपॉइंटेड, नाइट वॉचिंग, लॉस ऑफ स्लीप, ओवर स्ट्रेन, एग्रेवेशन मेंटल, एग्रेवेशन फिजिकल, ट्रैवलिंग एंड टी ड्रिंकिंग। तो कंफर्मेटरी इसको पैसे को कैसे कोकुलस देने का पहले हम कैसे कंफर्म करेंगे, क्या क्या लक्षण था। एलिफेंट फॉर्म, लेट आवर ऑफ स्लीप, बहुत लेट से अगर सो रहे हैं, नशिया एंड वॉमिटिंग फ्रॉम राइडिंग फ्रॉम कैरेज, बोट और रेल, रोड क्राय, कार और इवन लुकिंग ए लोड इन मोशन, सी सिकनेस एंड कार सिकनेस। बहुत इजी है कोकुलस इंडिका को याद रखना। जनरली क्या होता है फैक्ट्री एरिया में, इंडस्ट्रीज एरिया में जो नाइट ड्यूटी रहता है उसके लिए काफी अच्छा मेडिसिन है, इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.